चाचा चौधरी और बनवारी का पटाखा। दिवाली के दिन, अरे बनवारी, इतनी सारी आतिशबाजी, क्या दुकान खोलने का इरादा है? अरे नहीं, आज दिवाली है ना, सारे पटाखे खुद चलाऊंगा। इधर ला एक एटम बम, तुझे ऐसा नजारा दिखाऊं कि पहले कभी ना देखा हो। वह देखो, पहाड़ की चोटी पर चाचा चौधरी बैठा है। अगर यह एटम बम उसके ऊपर अचानक फटे तो वह ऊपर से लुढ़कता हुआ ऐसे नीचे आएगा जैसे कोई गेंद। वाह पनवाड़ी। दोनों पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। दबे पांव आजा, कहीं चाचा चौधरी को आहट ना हो जाए। एक जगह रुककर, बस अब यहाँ से उस पर एटम बम फेंकना चाहिए। वो एटम बम जलाकर चाचा चौधरी की तरफ उछाल देता है, लेकिन ओह, निशाना चूक गया। अरे बनवारी भाग, बम लुढ़कता हुआ अपनी तरफ आ रहा है। पनवाड़ी, आज मरवा दिया तुमने। है बनवारी और पनवाड़ी आगे आगे और जलता हुआ बम उनके पीछे पीछे। बम एक उछाल भरता है और सीधा उनकी पटाखों के डब्बे में घुस जाता है। परिणाम स्वरूप जोरदार धमाके होने लगते हैं। आए उई। पनवाड़ी, यहाँ आसपास कोई डिस्पेंसरी है या नहीं? साबू। चाचा जी, कहाँ से आ रहे हो? साबू, आतिशबाजी का नजारा देखकर। चाचा चौधरी और धड़ाम भड़ाम। दिवाली वाले दिन पटाखे। अरे साबू, कहाँ से आ रहा है? अपने को बाजारू चिटपटियों में मजा नहीं आता, इसलिए पटाखों की फैक्ट्री से स्पेशल एटम बम बनवाया है। पर अब समस्या ये है कि इसे चलाऊं कहाँ? अगर आबादी वाले इलाके में चलाता हूँ तो इसके धमाके से आसपास के मकान ढेर हो जाएंगे। ये खाली जगह ठीक है? साबू, ये जगह मकान बनाने के लिए साफ करनी है, ये टीला हटाने में हमारी मदद करो। ठहरो, पहले मुझे अपना बम चला लेने दो। साबू। एक जोरदार धमाका होता है और कहाँ है वह टीला? कमाल है, हैं? आँखों पर विश्वास नहीं होता। यह लो, टीला हटाने का मेहनताना 500 रुपए, जाकर मिठाई खाना। उधर चाचा चौधरी अपने घर के बाहर, यह पटाखा जरा ज्यादा जोरदार है, इसलिए अपने कानों में उंगलियां दे लो। तभी हैंड्स अप। चौधरी, स्मगलरों के गिरोह ने मुझे तुम्हारा सफाया करने के लिए 1,00,000 रुपया देना मंजूर किया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, सिर्फ मुझे दिवाली मुबारक कह दो। चाचा चौधरी, दिवाली मुबारक। तभी एक जोरदार धमाका होता है और बड़ा जेम्स बॉन्ड का कारतूस बना फिरता था। रमन और रामलीला। रामलीला के स्टेज पर, आ रमन गपो, तुम दोनों ने अपने अपने संवाद समझ लिए हैं? हाँ हाँ। तभी पर्दा उठता है। पर्दा उठ गया, पर्दा उठ गया। रावण, सीता को आजाद करके श्री राम से माफी मांग लो, नहीं तो क्या करोगे?
मैं इनकम टैक्स वालों को तुम्हारी सोने की लंका दिखा दूंगा। वह छापा मारेंगे। ओह ओह, मैं गीदड़ भपकियों से नहीं डरता। तो फिर युद्ध होगा, तुम्हारी लंका की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यह बंदर बहुत बड़बड़ कर रहा है। सैनिकों, इसकी पूछ में आग लगा दो। सैनिक पूछ में आग लगाते हैं और तभी एक जोरदार धमाका होता है। मेरी पूछ में बारूद भरा था। बिल्लू और मिठाई का स्वाद। एक दिन रास्ते में, बिल्लू कहाँ से आ रहे हो? ताई, बाजार से मिठाई और आतिशबाजी खरीद कर, कल दिवाली जो है। तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक है? वे डिब्रूगढ़ गए हैं, मैं घर पर अकेला हूँ। आज रात 8 बजे की गाड़ी से वे आएंगे, मैं उन्हें स्टेशन पर लेने जाऊंगा। इतना कहकर बिल्लू और ताईजी अपने अपने रास्ते चल देते हैं। छकमनी, कुछ सुना तुमने? मिठाई के नाम पर मेरे मुंह में पानी आ गया। हम वह सारी मिठाई खाएंगे। वह अपने माता पिता को लेने स्टेशन पर जाएगा, तभी हम पीछे से उसके मकान में घुसकर सारी मिठाई उड़ा ले जाएंगे। वाह! रात होने पर 8:15 बचे हैं, मुझे रेलवे स्टेशन की ओर भागना चाहिए। बिल्लू घर से निकलकर रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ लगा देता है। जल्दी में वह खिड़की बंद करना भूल गया, यह हमारे लिए वरदान है। वो दोनों खिड़की से घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर अंधेरा है, मिठाई कहाँ रखी है, कैसे ढूंढें? तभी उनके हाथ कुछ लगता है। मेज पर रखी मोमबत्ती मिली है, उसे जलाने के लिए मेरे पास माचिस है। छगमनी माचिस जलाता है और मोमबत्ती में लगाते ही एक जोरदार धमाका होता है। बिल्लू और उसके मम्मी पापा, हमारे मकान में धमाका? दरवाजा खोलने पर, हम जिसे मोमबत्ती समझे थे वो बम पटाखा था। हाय आई। चाचा चौधरी और दो दो रावण। एक बार चाचा चौधरी को रामलीला पर विशेष रूप से निमंत्रित किया गया। रामलीला शुरू होने में अभी कितनी देर है? बस 10 मिनट। तभी इंस्पेक्टर चुस्तराम दाखिल हुआ। पुलिस का रामलीला में क्या काम? डाकू गोबर सिंह जेल तोड़कर भाग गया है, उसी की तलाश में था, सोचा बैठकर थोड़ी रामलीला ही देख लूं। तभी पर्दा खुलता है और रावण का प्रवेश होता है। देखो, रावण के सिर्फ 5 सिर, बाकी 5 कहाँ गए? दूसरी तरफ से एक और रावण का प्रवेश। तुम कौन? पांच पांच सिर वाले दो रावण। मैं भी रावण हूँ। तू नकली है, नकली तू। तू अपने 5 सिर मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगा। कमाल है। अरे, रावण रावण से लड़ रहा है, ऐसे रामलीला पहले कभी नहीं देखी। तभी सन ऑफ एयर हनुमान का प्रवेश। अर लड़ो नहीं, अभी फैसला हुआ जाता है असली नकली का। वह चाचा चौधरी की ओर मुखातिब होता है। चाचा जी, सुना है आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, इस गुत्थी को आप ही सुलझा सकते हैं। ए रावण, रामचंद्र से तुम किस हथियार से लड़ोगे? ये देखो, तलवार। चाचा चौधरी दूसरे रावण की ओर मुड़ते हैं और तुम? दूसरा रावण पिस्तौल निकाल लेता है। ये देखो। चाचा चौधरी के भीमसैनी लठ का एक जोरदार वार। ओह! इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका मुजरिम डाकू गोबर सिंह, जो रावण का भेष बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। चाचा चौधरी का दिमाग
कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बिल्लू और अद्भुत सिगार। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लू क्या कर रहे हो? इस बार मैंने सारी आतिशबाजी खुद बनाई है। बिल्लू एक अनार जलाता है। ये देखो, वाह, ये चला नेट। बिल्लू के आग लगाते ही नेट हवा में परवाज भरने लगता है। पास ही, ओह क्यों रे सांभा, हमारा नाम क्या है? हुजूर, गब्बर सिंह, और आप इस इलाके के 10 नंबरी बदमाश हैं। और इन छोकरों ने चिटपिटियों से हमारी नींद हराम कर रखी है। हुजूर, बिल्लों से टक्कर लेना मुनासिब नहीं, बड़ों बड़ों को नाको चने चबवा चुका है। गब्बर सिंह और सांभा बाहर चल देते हैं। हम फिल्मी गब्बर सिंह नहीं, असली है असली, आओ मेरे साथ। बिल्लू और गब्दू, छीन लो इसके सारे पटाखे। अगर किसी ने बीच में आने की हिमाकत की तो गोलियों से भून दूंगा। सांभा, हुजूर देखिए, डब्बे में 2 बढ़िया सिगार भी हैं। वाह, लाओ पहले इन्हें ही पिए। दोनों सिगार अपने मुंह में लगा लेते हैं। सिगार को आग लगाते ही वह जोरदार तरीके से फट पड़ता है। आए, सिगारों में बारूद भरा था। ओह, आए। रमन और मिठाई। एक दिन बाजार में। अम्मा मियां रमन, हलवाई की दुकान पर क्यों खड़े हो? क्या मिठाई खरीदनी है? नहीं खलीफा, दिवाली पर मिठाई इतनी महंगी है कि खरीदने की हिम्मत ही नहीं। मैं उसकी सिर्फ खुशबू लेकर ही मन को खुश कर रहा हूँ। खलीफा रमन को लेकर एक तरफ चल देता है। आओ मैं तुम्हें मिठाई खिलाता हूँ, और वह भी मुफ्त। मिठाई मुफ्त में? खलीफा एक मकान की ओर इशारा करता है। देखो, गप्पू की मेज पर बर्फी की प्लेट रखी है, खिड़की में से हाथ डालकर चुपके से उसे उठा लो। वाह, रमन वैसा ही करता है। इधर घर के अंदर गप्पू, अगर पटाखा नहीं चलाया तो दिवाली कैसी? एक जोरदार धमाका होता है, परिणाम स्वरूप खलीफा अब मिठाई नहीं, हाथ पर लगाने के लिए मरहम चाहिए। हाय, चाचा चौधरी और रिकी का पटाखा। एक दिन शहर में। शाबू, क्या तुम्हारे घर में आटा पीसने की चक्की चल रही है? नहीं रिक्की, मेरे बापू सो रहे हैं, उनको नींद बहुत प्रिय है। ये उनके खुर्राटों की आवाज है, लेकिन मुझे पटाखे चलाना प्रिय है। रिक्की पटाखे में आग लगाता है और पटाखा एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। छाबू के बापू, किसने मेरी नींद हराम की? बापू, रिक्की ने पटाखा चलाया था। बापू हाथ में डंडा लिए रिक्की के पीछे दौड़ पड़ता है। लड़के, तुम्हारी ये गुस्ताखी, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। भागो। चाचा जी, मुझे एक आदमी मारने आ रहा है। रिक्की घबराओ मत, तुम मेरी शरण में हो, जो कोई तुम्हें छुएगा मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। रिक्की का बापू और चाचा चौधरी, क्या कहा,
तुम मुझे पीटोगे? ना ना ना, मेरा मतलब था एक जोरदार वार और चाचा चौधरी की छड़ी दो हिस्सों में टूट गई। तुम्हारी छड़ी टूट चुकी है, अब तुम्हारा सर टूटने की बारी है। छड़ी का टूटा हिस्सा उड़कर साबू के सिर से टकराता है। कद्दू, तुम्हारी ये हिम्मत? आए, साबू उसे दबोच लेता है। अर, पहलवान क्या करते हो, छोड़ो मुझे, और हवा में उछाल देता है। जाओ। छाबू का बापू हवा में उड़ता हुआ सीधा कीचड़ में जा गिरता है। आए, है कीचड़ उछाल कर तुमने मेरी सिल्क की नई साड़ी खराब कर दी। वो औरत हाथ में छतरी लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। मैं तुम्हें ढोल की तरह बजा दूंगी। छाबू का बापू दौड़ता हुआ एक घर में घुस जाता है। ये जगह छुपने के लिए अच्छी है। तभी अंदर से आवाज आती है, ओह बचाओ। वो सर पर पैर रख कर दौड़ता हुआ बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे एक बैल भी निकलता है। मर गए। छाबू का घर। बापू थोड़ा सो जाओ, ताजा दम हो जाओ। नहीं बेटा, भागते भागते मेरी नींद भी भाग गई है। बिल्लू पटाखा और मिठाई। एक दिन बजरंगी और ढक्कन। ढक्कन, आज तो मिठाई खाने का दिल कर रहा है। अरे बजरंगी, जेब में पैसा नहीं और हाथ देख रहा है मिठाई के। चुप। बिल्लो, तुम्हारे थैले में क्या है? मिठाई, ये देखो। है? दिवाली की पूजा करके खाएंगे। मन की मुराद पूरी हो गई ढक्कन। यह एटम बम तुम ले जाकर बिल्लू को दो। जब वह मिठाई का थैला जमीन पर रखकर इसे चलाने में मशगूल होगा तो मैं इस मछली पकड़ने के कांटे से उसका थैला ले उड़ूंगा। अरे बिल्लू राजा, देखो तुम्हारे लिए एटम बम। जिसने आज आतिशबाजी नहीं चलाई उसने क्या दिवाली मनाई। तुम ठीक कहते हो, मैं इसे अभी चलाता हूँ। बिल्लू एटम बम चलाने में व्यस्त हो जाता है। इधर बजरंगी। ये झाड़ी भी शायद मेरी मदद के लिए यहाँ उगी है। गब्दू बम के ऊपर एक डिब्बा रख देता है। बिल्लो, ये डिब्बा ऊपर रख देने से और ज्यादा धमाका होगा। दोनों धमाके के होने का इंतजार करते हैं। इधर बजरंगी। असली धमाका तो तब होगा जब तुम मिठाई ढूंढोगे और वो मिलेगी नहीं। तभी जोरदार धमाका होता है और डब्बा हवा में उड़कर सीधा बजरंगी के सिर में जाके फंस जाता है। बचाओ। हैं? हैं? चाचा चौधरी दिवाली के दिन अंतरिक्ष में। दिवाली वाले दिन चाचा चौधरी इत्मीनान से मिठाई खा रहे थे। अरे चौधरी, साबू कहाँ है? आज मैं मुकाबले के लिए आया हूँ। आपकी तारीफ। मुझे भटिंडा राम आतिशबाज कहते हैं। भाई, बटेरबाज और कबूतरबाज तो बहुत सुने थे, पर यह आतिशबाज क्या बला है? लीजिए मिठाई खाइए। नहीं, रहने दो। पटाखे चलाने में मैं सबको हराकर आतिशबाजी का चैंपियन बन गया हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे आतिशबाज का खिताब दिया है। आज मैं साबू से मुकाबला करने आया हूँ। देखो, साबू उल्टे दिमाग का आदमी है, उससे तुम टक्कर ना लो तो अच्छा है। तुमने अभी मेरे एटम बम नहीं देखे तभी यह कह रहे हो। देखो, मैं अपने एक एटम बम को आग लगा रहा हूँ। आग लगाने के बाद उस पर एक डिब्बा रख दिया और धमाका होते ही डिब्बा आकाश में ऊंचा उछल जाता है। देखा, वह डिब्बा कितना ऊंचा गया।
तभी साबू वहाँ आता है। लो, वह साबू आ गया। चाचा जी, सारे बाजार में मेरे साइज की आतिशबाजी नहीं मिली, इसलिए मैंने खुद ही कुछ बम पटाखे बनाए हैं। साबू, आज दिवाली है, पटाखों का मुकाबला करेगा। हो जाए। एटम बम को आग लगाकर उसके ऊपर डिब्बा रखना है, जिसका डब्बा ज्यादा ऊपर जाएगा वही जीता। ठीक है। आतिशबाज शुरुआत करता है। लो, पहले मैं अपने बम को आग लगाता हूँ, ऊपर से डिब्बा भी रख दिया। धमाका होते ही डिब्बा आकाश में ऊंचा चला जाता है। साबू, मेरे पटाखे के ऊपर डिब्बा आएगा नहीं, इसलिए अगर मैं उस पर ये तारकोल का खाली ड्रम रख लूं तो कोई एतराज तो नहीं। हरगिज नहीं, यह लंबो सचमुच गधा है, भारी होने की वजह से ड्रम जमीन से हिलेगा ही नहीं। साबू अपने बम को आग लगाता है और ड्रम उसके ऊपर रख देता है। लो, मैंने उस पर ड्रम रख दिया। कुछ देर बाद, टाए टाए फिश, तुम्हारा पटाखा चला ही नहीं। आतिशबाज दौड़कर ड्रम के ऊपर बैठ जाता है। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं जीत। तभी बम में जबरदस्त धमाका होता है और ड्रम समेत आतिशबाज हवा में उड़ जाता है। जब वह इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। वह नीचे नहीं गिरेगा चाचा जी, क्योंकि वह अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इधर भटिंडा राम आतिशबाज आकाश में, बाप रे, वो पटाखा था या हाइड्रोजन बम? साबू के बम पटाखे से भटिंडा राम अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। उधर पृथ्वी पर भटिंडा राम को वापस लाने के लिए मुझे अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, लेकिन समस्या ये है कि वहां जाऊं कैसे? मेरे एक बम पटाखे ने भटिंडा राम को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, दूसरा बम पटाखा आपको भी वहां पहुंचा देगा। अरे मूर्ख, मैं वहां पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन पृथ्वी पर लौटूंगा कैसे? इसके लिए हमें अमेरिका सरकार की मदद लेनी पड़ेगी। चाचा चौधरी और साबू अमेरिकन सरकार के रॉकेट पर सवार होते हैं। रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए अंतरिक्ष की ओर छूटता है। अंतरिक्ष में, चाचा जी, यह तो कुछ दिखाई नहीं देता। अरे, इतने बड़े अंतरिक्ष में कोई चीज ढूंढना आसान थोड़े ही है, पता नहीं वह बेचारा कहां होगा। तभी, साबू, वह देखो, जल्दी से रस्सी का इंतजाम करो। कमर से रस्सी बांध कर चाचा चौधरी अंतरिक्ष में कूद पड़ता है। जब मैं कहूं रस्सी खींच लेना, चाचा चौधरी भटिंडा राम को पकड़ लेते हैं। आहा, पकड़ लिया। आप, मैं तो समझा था कि अब सारी उम्र पृथ्वी के चक्कर ही काटता रहूंगा। साबू, खींचो। यह लो। साबू रस्सी को खींचने लगता है, तभी रस्सी टूट जाती है। अरे, रस्सी टूट गई। चाचा चौधरी और भटिंडा राम अंतरिक्ष में एक तरफ को बढ़ने लगते हैं। चाचा जी, हम कहां जा रहे हैं? क्या पता, अंतरिक्ष असीम है। इधर साबू, अब मुझे जाना पड़ेगा। साबू ने रस्सी का एक सिरा अपनी कमर से बांधा और दूसरा रॉकेट के साथ और अंतरिक्ष में कूद गया। जय बजरंग बली। कुछ ही देर में, पकड़ लिया, आओ वापस रॉकेट में चलें। रॉकेट तीनों को लिए पृथ्वी की ओर चल दिया और हिंद महासागर में जा गिरा। अब तैर कर किनारे तक पहुंचने में देर नहीं। बिल्लू और मिठाई।
दिवाली के दिन बिल्लू और उसकी मंडली अनार जला रहे थे। वाह! उधर बजरंगी पहलवान अपनी योजना छक्कन को समझाता है। छक्कन, तो बिल्लू को मिठाई का लालच देकर यहाँ ले आ। मैं इस कुर्सी के नीचे एक सुलगता हुआ एटम बम छोड़ जाऊंगा। जब वह चूहा इस पर बैठकर मिठाई खाने लगेगा तो बम फट जाएगा और वह चारों खाने चित। मान गए उस्ताद तुम्हें। उस्ताद, तुम क्यों बाहर जा रहे हो? बम कुछ ज्यादा पावरफुल है, मैं बाहर खिड़की से लुत्फ लूंगा। कमाल है। छक्कन बिल्लू के पास पहुंचता है। बिल्लू मास्टर, रस्ता में हिंद पहलवान बजरंगी ने तुम्हें मिठाई का न्योता दियो है। मिठाई? मुझे? हाँ, तुम्हारी और हमारी दुश्मनी अब खत्म। अच्छा, चलो। बिल्लू छक्कन के साथ चल देता है। तभी बजरंगी के चचा रुस्तम में जमा पहलवान लाटू जबलपुर से आ गए। कमबख्त बजरंगी स्टेशन पर भी नहीं पहुंचा और घर से भी नदारद है। चचा सीधा आकर उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। चलो, खाने के लिए मिठाई तो रखी है। हाय! अरे चचा, इस कुर्सी पर मत बैठो। क्यों? तभी बम फट पड़ता है। बिल्लू, बजरंगी, मेरी मिठाई का क्या हुआ? चाचा चौधरी और चोरी रावण की। एक दिन रामलीला मैदान में। अरे कारीगर, रो क्यों रहे हो? रावण चोरी हो गया। रात को मैंने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ बनाकर खड़े किए थे। सवेरे उठकर देखा तो रावण गायब था। वो आदमी कारीगर को लेकर चल देता है। आओ, पुलिस में रिपोर्ट करें। पुलिस स्टेशन में। रावण चोरी हो गया। मैंने जेवर, पैसे और कपड़े चोरी होते देखा है, पर रावण को भी कोई चुरा सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। दो चार दिन में उसे ढूंढ निकालेंगे। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आज दशहरा है, रात को उसे जलाना है। इतनी जल्दी अगर कोई रावण को ढूंढ सकता है तो सिर्फ एक आदमी, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इंस्पेक्टर चाचा चौधरी को फोन घुमाता है। मैं उनको टेलीफोन करता हूँ। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ गया। चाचा चौधरी साबू को लेकर घर से बाहर चल देते हैं। साबू, आओ, रावण चोरी हो गया है, उसे लाना है। वह जरूर किसी सुनसान जगह पर मिलेगा। उधर लटकू पटकू दो चोर। अरे पटकू, हमने रावण क्यों चुराया है? अरे लटकू, तू भी बेवकूफी रहा। अरे इस रावण के अंदर ढेर सारी आतिशबाजी भरी है। हम रावण को तोड़कर सारी आतिशबाजी निकाल लेंगे। दिवाली पर 4-5 हजार रुपए में बिक जाएगी। लो, सुनसान जगह आ गई, रावण को उतारो। वो दोनों रावण को उतार लेते हैं। तुम रावण को थामे रहो, मैं इसे कुल्हाड़ी से अभी तोड़ देता हूँ। वो चोर अपना काम शुरू कर देता है। तभी साबू, वह रहा चोरी का रावण। कैसे पहचाना चाचा जी? लोग रावण को जलाते हैं, उसे तोड़ते हुए आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। चाचा चौधरी एक सिक्का उन चोरों की ओर उछालते हैं। लो, मैं तुम्हारे लिए सोने की लंका से सोने का सिक्का लाया हूँ। दोनों चोर रावण को छोड़कर सिक्के की ओर लपकते हैं। वाह, सोने का सिक्का बड़ा कीमती होगा। और वो रावण
डगमगा कर उनके ऊपर गिर पड़ता है। मर गए, बचाओ। पहले वायदा करो, दोबारा रावण नहीं चुराओगे। करते हैं। चलो साबू, इसे रामलीला मैदान में ले चलें। साबू रावण को उठाकर चल देता है। रमन और उपहार। एक दिन रमन का बॉस रमन के घर पर आया। रमन, दिवाली मुबारक। सर, आपको भी। तुम मेरे सबसे होनहार और मेहनती कर्मचारी हो। मैं तुम्हें उपहार में आतिशबाजी और 200 रुपए की तरक्की देता हूँ। थैंक यू सर। बॉस गिफ्ट देके चले जाते हैं। आए रमन, इतने सारे पटाखे। मोगा सिंह, ये मुझे सर ने दिए हैं। लाओ इन्हें चलाएं। ठीक है। रमन एक रॉकेट जलाता है। रॉकेट हवा में उड़ता हुआ सीधा जाकर बॉस के सर पर गिरता है। ओहो। बॉस और रमन। रमन, नौकरी से तुम्हारी छुट्टी। ओए। बिल्लू और पटाखे। एक दिन बजरंगी पहलवान। अरे वाह बजरंगी उस्ताद, हमने लोगों के इतने पटाखे हड़प लिए हैं कि पेटी भर गई। शोर मत मचाओ, बिल्लू आ रहा है, अभी उसके पटाखे हथियाने बाकी हैं। बजरंगी अपना यंत्र बिल्लू की ओर बढ़ाता है और उसकी टोकरी में से पटाखे उठा लेता है। मान गया तुम्हें, तुमने आज उस चालाक छोकरे को भी मात दे दी। ये पटाखे बेचकर दिवाली की मिठाई खाएंगे। इधर बिल्लू और गब्दू। अरे बिल्लू, मैंने अपनी आंखों से देखा, बजरंगी पहलवान ने तुम्हारे दो एटम बम उड़ा लिए। अच्छा ऐसी बात है। बिल्लू एक रॉकेट में आग लगाता है। वह रॉकेट सीधा बजरंगी के इकट्ठे किए हुए पटाखों में गिरता है और वहाँ दिवाली का धूम धड़ाका हो जाता है। बाप रे। ओह, मारे गए। नीचे आतिशबाजी का आनंद लेते हुए बिल्लू और गब्दू। चाचा चौधरी और बचे पटाखे। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे साबू, क्या कर रहे हो? चाचा जी, दिवाली की आतिशबाजी में से एक एटम बम बच गया था, सोचा इसे चला दूं। साबू बम में आग लगाता है। तभी, अरे साबू, जरा ये गठरी उतरवाना, बड़ी भारी है, कमर टूट गई, जल्दी आओ। साबू उस आदमी की तरफ दौड़ लगा देता है। नथु काका, मैं आया। उधर एक आदमी हाथ में पटाखा लिए चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। क्यों ना इस पटाखे को आग लगाकर चाचा चौधरी की कुर्सी के नीचे रख दूं। वो चाचा चौधरी की कुर्सी के नीचे पटाखा रखकर आग लगा देता है, और वहाँ से दूर हट जाता है। अब यहाँ से दूर हटकर तमाशा देखना चाहिए। तभी उसके पैरों के पास पड़ा हुआ साबू का बम एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। अरे खोटे, तू यहाँ कैसे? चाचा जी, आपकी कुर्सी के नीचे जलता हुआ पटाखा रखकर पीछे हट गया था और उसके फटने का इंतजार कर रहा था कि पीछे से कोई दूसरा पटाखा फट गया। चाचा चौधरी पटाखा उठाकर वापस खोटे के हाथ में देते हैं। लो, तुम्हारा पटाखा तो चला ही नहीं, इसे घर ले जाओ। खोटे बड़ी हैरत के साथ
पटाखा अपने हाथ में ले लेता है। मेरा पटाखा आज तक फेल नहीं हुआ, फिर ये कैसे? रमन और पटाखे। एक दिन गप्पू और खलीफा। खलीफा कहाँ जा रहे हो? आज सर्कस देखने गप्पू। देखो रमन की कमीज के साथ मैंने पटाखों की लड़ी बांध दी है, अभी वह बंदर की तरह नाचेगा। तब तो मैं सर्कस की बजाय ये नजारा देखूंगा। गप्पू बम की लड़ी में आग लगाता है। अबे क्या करता है? और बम फटने लगते हैं। है? अबे बच के। रमन बम के धमाकों से उछल पड़ता है। हो, 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 हो। तभी धागा टूट जाता है। शुक्र है चटक कर धागा टूट गया। और पटाखों की लड़ी गप्पू के ऊपर आ गिरती है। ये तो गया काम से। और फिर बेहिसाब धमाके। बिल्लू और बड़ा पटाखा। एक दिन बिल्लू और बजरंगी पहलवान। यस्ताद इतना बड़ा पटाखा? बिल्लू तुम मेरी टोकरी भरी आतिशबाजी ले लो और अपना बड़ा पटाखा मुझे दे दो। बिल्लू बजरंगी की बात मान लेता है। बजरंगी मंजूर है। वह बड़ा पटाखा मेरा हो गया। बजरंगी और ढक्कन। यस्ताद ये तो अंदर से खोखला है। कागज का नकली पटाखा किस काम का? मैं अपनी सारी आतिशबाजी वापस लूंगा। लेकिन सौदा तो हमने ही किया था उस्ताद। इधर बिल्लू। गद्दू टेलीफोन की घंटी बजी, जरा अंदर जाकर फोन सुनना। बिल्लू फोन पर कोई तुम्हें बुला रहा है। तरकीब कामयाब रही। मेरे जाते ही उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। वह बजरंगी का साथी होगा। देखो पहलवान पीछे से हमारी आतिशबाजी लेकर भाग रहा है। बिल्लू हाथ में रॉकेट उठाता है। एक रॉकेट बच गया, इसे ही चलाया जाए। बिल्लू रॉकेट को आग दिखाता है और रॉकेट हवा में उड़ जाता है और सीधा जाकर बजरंगी के पटाखों से भरी टोकरी में गिरता है। और फिर चाचा चौधरी और दिवाली का धड़ाका। एक दिन शहर में। क्यों पतीले आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? आज दिवाली है और मैंने चाचा चौधरी को छकाने का एक प्लान सोचा है। क्यों मुसीबत को दावत दे रहे हो? नहीं मैंने जो सोच लिया वो करके ही रहता हूँ। मैं चाचा चौधरी को मिठाई खाने की दावत दूंगा। जब वह मिठाई खा रहा होगा तो उसकी कुर्सी के नीचे ही एटम बम चला दूंगा। वह आंधे मुंह नीचे आ गिरेगा। कमाल है। लो वह इधर आ रहा है, तुम दूर खड़े होकर तमाशा देखो। चाचा जी आज दिवाली है, कृपया मेरे यहाँ मिठाई खाते जाइए। आपके लिए कुर्सी मैंने पहले ही खुली हवा में डाल रखी है, तशरीफ रखिए। चाचा चौधरी कुर्सी पर बैठकर मिठाई खाने लगते हैं। वाह मिठाई बढ़िया है, देसी घी की लगती है। आप खाते जाइए। पलीता कुर्सी के नीचे रखे बम को देखता है। ओह माचिस लाना तो मैं भूल ही गया। वह घर के अंदर दौड़ लगाता है। अभी जाकर रसोई से लाता हूँ। घर के अंदर। ओह
कम्बख्त माचिस का आँख हो गई, जरूरत के वक्त कोई चीज नहीं मिलती। वह रही माचिस लेकर वह घर से बाहर दौड़ा दौड़ा आता है और चाचा चौधरी के कुर्सी के नीचे रखे बम को जलाता है, लेकिन ओह सारी माचिस खाली हो गई, लेकिन पटाखे में आग ही नहीं लग रही। बो हो 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 हो। पलीते क्या हुआ? बम नहीं चल रहा। चाचा चौधरी बम को हाथ में उठाते हैं। जब तुम अंदर माचिस लेने गए थे तो पीछे से मैंने उस बाल्टी में रखे पानी में इस पटाखे को भिगा कर ज्यो का त्यो कुर्सी के नीचे रख दिया था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। पलीता और साबू, पलीते देखो एटम बम कैसे चलता है, अब आया मेरा एटम बम। साबू बम जलाकर पलीते की ओर उछाल देता है और परिणाम स्वरूप हाय दिवाली मुबारक। चाचा चौधरी और दीवाला। एक ट्रक सड़क पर दौड़ा चला जा रहा था। खट्टो तुमने शहर की सारी दुकानों से दोगुने भाव पर आतिशबाजी खरीद कर ट्रक क्यों भर लिया? चटको ये बिजनेस ट्रिक है, दिवाली साल में एक बार आती है और यही कमाने का मौका है। जब लोगों को शहर में किसी दुकान पर पटाखे नहीं मिलेंगे तो वो मेरे पास आएंगे, मैं मनचाहे दामों पर पटाखे बेचूंगा। एक जगह पर दिवाली मुबारक। तुम्हें भी क्या सारी खरीदारी कर ली? मिठाई मोमबत्तियां तो खरीद ली, लेकिन पटाखे किसी दुकान पर नहीं मिले। सुना है खपटू के पास पटाखे मिल रहे हैं। वो दोनों खपटू के पास पहुँचते हैं जहाँ और भी लोग होते हैं। खपटू एक दर्जन फुलझड़िया देना। डेढ़ दर्जन एटम बम, 6 रॉकेट, सब कुछ मिलेगा, लेकिन रेट है 100 रुपया दर्जन फुलझड़िया, 10 रुपए का एक एटम बम और 20 रुपए का एक रॉकेट। तुम्हारे रेट तो रॉकेट से भी ऊंचे चले गए। तो मेरे रेटों को देखकर ही आतिशबाजी का आनंद लो। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू क्या बात है, आज कहीं कोई पटाखा नहीं छूट रहा? शहर के सारे पटाखे खपटू ने अपने कब्जे में ले रखे हैं। ऐसी बात है, आओ देखें। चाचा चौधरी खपटू के पास पहुंचते हैं। खपटू मुझे एक रॉकेट चाहिए। निकालो 20 रुपए चाचा चौधरी। चाचा चौधरी पैसे निकाल कर खपटू को दे देते हैं। ये लो। चटकू एक रॉकेट उछाल दो। लो चौधरी ये अमेरिकन रॉकेट से भी ऊंचा जाएगा। चाचा चौधरी रॉकेट में आग लगाते हैं और रॉकेट हवा में उड़ता हुआ सीधा खपटू के आतिशबाजियों से भरे हुए ट्रक में घुस जाता है और ट्रक में धमाके शुरू हो जाते हैं। वाह मजा आ गया। और बेहिसाब धमाकों के बाद खपटू और चटकू हाय दीवाला निकल गया। बिल्लू और प्रतियोगिता। एक दिन बिल्लू और बजरंगी पहलवान। बजरंगी के पटाखे सबसे जोरदार धमाका करते हैं, लेकिन हमारा इकलौता एटम बम भी कुछ कम नहीं। चूहे मेरी बराबरी करता है, अब तुझे मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबले का मापदंड क्या होगा? यहाँ से कुछ दूर दादा रुस्तम सो रहा है, तुम्हारे धमाके से अगर वह जाग जाए तो तुम जीते। और इधर नथू धोबी खुर्राटे मार रहा है, अगर तुम्हारे पटाखे से वह जाग जाए तो हम तुम्हें मान जाएंगे। और प्रतियोगिता शुरू होती है। अरे नथू मेरे इस एटम बम की आवाज से हड़बड़ा कर उठ भागेगा। बजरंगी बम में आग लगाता है
और बम एक जोरदार धमाके के साथ फटता है, लेकिन अरे नहीं जागा। बिल्लो एक चांस और दो। बजरंगी दोबारा कोशिश करता है। मैं सारी आतिशबाजी को एक साथ आग लगा देता हूँ। सारी आतिशबाजी फट पड़ती है, लेकिन फिर भी बिल्लो मैं नथू को नहीं जगा सका। थोड़ी देर बाद, बिल्लो नथू धमाके से नहीं पर अपने आप उठ बैठा, क्योंकि जन्म से वह बहरा है। बिल्लो कन्नी मत काटो, तुम्हें रुस्तम को जगाना है। रुस्तम का घर। बिल्लू पटाखे में आग लगाता है। रुस्तम के सपने अभी टूटते हैं। और पटाखे में एक जोरदार धमाका होता है। बिल्लू मोमबत्ती बजरंगी को थमा देता है। यह लो संभालो इसे। और रुस्तम दादा बजरंगी के छक्के छुड़ा देता है। हाय।